हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप ए परफेक्ट दे आर एंडरिंग डेडली स्टडी। सो काफ़ी स्टूडेंट्स के इम्पोर्टेंट मैसेजेस और डाउट्स मेरे पास आ रहे थे टेलीग्राम पे, और उनका यही कहना था कि सर हमारे मार्क्स नहीं आ रहे RRBPO के प्रीलिम्स के मॉक में। और एग्जाम में आपके लगभग देखा जाए तो 10 वीक्स का टाइम है, क्योंकि अभी आपका मई मिड आ चुका है, तो लगभग 16-17 डेज का जो टाइम है वो आपका मई मंथ का बचा है। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 मंथ्स का जो टाइम है वो आपका जून एंड जुलाई का कंपोजिट मंथ्स का टाइम है। अब ऐसे में ये तो देखो सर्टेन सी बात है कि अगर आपके RRBPO प्रीलिम्स के मॉक में RRBPO प्रीलिम्स, या फिर अगर हम बात कर रहे RRB असिस्टेंट, या फिर इसको हम क्लरिकल भी बोल सकते हैं, तो इन दोनों के मॉक्स में आपके परसेंटाइल हाई आना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं आ रहा तो फिर इन एग्जाम्स को कम्पीट करना अपने आप में चैलेंज है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो स्टेप बाय स्टेप उनको सुनना और जोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में और उसको अप्लाई करना। लेकिन उससे पहले कुछ मिथ है जो मैं आपके क्लियर करना चाहता हूँ। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके प्री के मॉक्स में 35-45 के बीच में मार्क्स आ रहे आउट ऑफ 80। ये मैं RRBPO प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, RRBPO प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। अगर आप भी इसी कैटेगरी में आते हो, या फिर अगर आप 50 तक भी आते हो, 35 से 50 के कैटेगरी में भी अगर आप आते हो, तो भी जो भी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको ध्यान से सुननी है, और इसको सुनने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपका मान लो 40 में से 80 के आसपास एवरेज स्कोर आ रहा है, ये आपका एवरेज स्कोर है, तो ये आपका इंक्रीज होके 70 तक आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस है जो कि आपको कोई बताएगा नहीं, अब वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपको फॉलो करनी है। और टाइम हमने डिस्कस कर ही लिया है कि 2 मंथ यहाँ पर है, जिसमें कि आपका 8 वीक्स का टाइम है, और लगभग 2 वीक्स का टाइम हमारा मई मंथ का बचा है, यानी कि हमारे पास अब कुल मिला के 10 वीक्स का टाइम है, और उसके बाद हमारा RRBPO का प्रीलिम्स कंडक्ट हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। अगर आपने इस पूरी वीडियो को मिस किया तो फिर वो आपकी प्रॉब्लम हो गया एग्जाम में, तो मिस मत करना। अगर एग्जाम क्वालिफाई करना है, आप बिगिनर हो, या अगर आपके RRBPO के या फिर क्लरिकल के प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होते, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद वीडियो रहेगी। अब यहाँ पर दो कैटेगरी आती है, दो कैटेगरी में क्यों कह रहा हूँ, देखो ये कैटेगरी 1 है, और यहाँ पर ये वाली जो कैटेगरी है ये कैटेगरी 2 है, तो मैंने यहाँ पर दोनों को बाइफरकेट कर दिया। अब पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 की। अब आप यहाँ पर मार्क्स देखो, ये RRB ऑफिसर लेवल स्केल 1 के मॉक है सारे के सारे, ठीक है। तो यहाँ पर RRBPO के स्कोर है मॉक्स के, ये 80 में से 74.50 स्कोर है, और जो परसेंटाइल आई है, परसेंटाइल एकदम नीचे गिवन है, यहाँ पर ये जो परसेंटाइल है 97.3 है, मैं इसको यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ, तो 97.3 परसेंटाइल हमारी यहाँ पर आई है, कितने मार्क्स में, 74.50 मार्क्स में। अब ध्यान रखना, सुनना ध्यान से, यहाँ पर 69.75 मार्क्स पे हमारी परसेंटाइल आई है 99.4, ये हमारी परसेंटाइल है। परसेंटाइल क्या होती है, अगर जिनको नहीं पता तो देखो, परसेंटाइल वो होती है, जैसे मान लो कि कोई मॉक टेस्ट था, हम RRBPO के मॉक टेस्ट की बात करते हैं, अब इस मॉक टेस्ट में 10,000 स्टूडेंट्स ने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, 10,000 स्टूडेंट्स ने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, और आपकी जो रैंक आई है इसमें से वो आई है 1,000, ठीक है, ये आपकी रैंक है, योर
रैंक, यानी कि आपके कितने परसेंटाइल हुई, आपके परसेंटाइल हुई 1000 अपॉन में 10000, ये कितना आ जाएगा, ये 10% है, यानी कि आप टॉप के 10% बच्चों में आते हो, जो टॉप के 10% बच्चे उसमें आते हो, और अगर देखा जाए तो आप 90% स्टूडेंट से अहेड हो, आगे हो, तो ये होती है परसेंटाइल, आप जितने बच्चों से आगे होते हो वो होती है हमारी परसेंटाइल। अब आपको ये डाउट क्लियर हो चुका होगा, अगर मान लो कि 5000 बच्चों ने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और आपकी रैंक 25 आ गई, अब ये 25 कितना है 5 का, अब यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका 0.5% है, कितना 0.5%, इसका 10% 500 होगा, 1% 50 होगा, और 0.1% कितना होगा 5 होगा, तो ये कितना हुआ 0.5%, यानी कि अगर आपके 25 नंबर आते हैं, यानी कि अगर आपकी जो रैंक है वो 25 है 5000 बच्चों में से, तो जो आपके परसेंटाइल है वो 99.5% रहेगी। ये होता है कंसेप्ट पूरा परसेंटाइल का, आपको समझ में आ चुका होगा। जो स्टूडेंट्स आपसे पीछे है ना, उनको मद्देनजर रखते हुए आपके परसेंटाइल को ऑब्जर्व किया जाता है कि कितने बच्चों से आप आगे हो। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ ये सब चीजें, स्कोर कार्ड, इसके पीछे एक रीजन है, सुनो आप। तो यहाँ पर 74.5 स्कोर करके 97.3% आई, यहाँ पर 69.75 स्कोर करके 99.4% आई, और यहाँ पर 73.5 स्कोर करके 98.8% कितनी है 98.8% यहाँ पर आई। अब यहाँ पर आप मार्क्स देखोगे तो यहाँ पर भी मार्क्स हमारे 70 प्लस है, यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास है, और यहाँ भी हमारे 70 के प्लस मार्क्स है। अब 70 प्लस मार्क्स आने के बावजूद भी जो परसेंटाइल का जो रेंज है वो 97 से लेकर 99.5 तक गया है, इस रेंज में गया है। अब ये डिपेंड करता है मॉक का लेवल कैसा था। अब ऑब्वियस सी बात है, मॉक का लेवल इजी था तभी इतने अटेम्प्ट हो रहे थे और इतना परसेंटाइल आया है। अब दूसरे कैटेगरी में आते हैं, अब यहाँ पर देखो 57.25 मार्क्स है और परसेंटाइल कितना है, यहाँ पर नीचे ध्यान से देखो 99.1%। अब ये कैसे हो गया कि सर वहां तो 74 मार्क्स पे भी 97% आ रहे थे और यहाँ तो 57 मार्क्स पे 99.1% आ रहे हैं। तो बाबू ध्यान से सुनो, आप क्या कर रहे हो, आप ना ब्लाइंडली चल रहे हो, आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि मॉक्स के अंदर मार्क्स की कोई भी वैल्यू नहीं होती, क्या होती है, निल एंड वॉइड होती है। मार्क्स, अगर आप मार्क्स को टारगेट कर रहे हो तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, वो सबसे बड़ी आपकी बेवकूफी होती है, तो मार्क्स को कभी टारगेट नहीं करना, क्या नहीं करना, मार्क्स को कभी भी टारगेट नहीं करना, ये बात अपने जहन में अपने दिमाग में उतारो। अब टारगेट किसको करें, तो परसेंटाइल को चेस करो, बस इतना ध्यान रखो परसेंटाइल को चेस करो। क्यों कह रहा हूं, देखो अब यहां पर जो मॉक का लेवल था वो इजी था, इजी मॉक के लेवल में 74, 70, 73 मार्क्स आपके आ रहे थे, तब जाके आपका परसेंटाइल 97, 98, 99 की रेंज में लाई कर रहा था। यहाँ पर जो मॉक का लेवल था वो मॉडरेट और डिफिकल्ट था, जैसे फर्स्ट वाले में 57 स्कोर करने के बाद 99% आया, अब इस वाले में देखो 80 में से 49.5 कितने 49.5 मार्क्स आने के बाद कितना परसेंटाइल आ रहा है 97% आ रहा है, देख रहे हो आप। तो ये बहुत डिफिकल्ट लेवल का मॉक था, और अगर इतने आपके एग्जाम में आते ना, आपका एग्जाम किसी भी स्टेट से जहां पर हाईएस्ट से हाईएस्ट कट ऑफ क्यों ना चले जाए, आराम से क्रैक हो जाता। अब यहां पर 59.5 मार्क्स पे 99.2% है, कितना 99.2% है। अब ये सारे मॉक मैंने ही अटेम्प्ट किए थे बहुत पहले, तो मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये जो मॉक्स होते हैं इसमें लेवल क्या होता है, लेवल को चेज करो। अगर किसी ने बोल दिया कि नहीं आपके इतने मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं होगा, देखो बेवकूफी है, मुझे नहीं पता कौन आपको ऐसी सलाह देता है या आप किसकी बातें सुनते हो। समझदारी इसी में है कि मॉक का लेवल देखो, लेवल होते हैं मॉक के और तीन लेवल होते हैं। एक आता है इजी लेवल, जिसमें अगर आपके मार्क्स 70 भी आ जाए 80 में से, आरआरबी पीओ की बात कर रहा हूं मैं, पीओ की, तो यहाँ पर आपका 97, 98, 99% ऐसे ऐसे रहता है।
अगर ये मॉडरेट लेवल का आ जाता है तो आपका जो परसेंटाइल है, जो जो आपके मार्क्स हैं, अगर आप यहाँ पर 60 मार्क्स भी लाते हो 80 में से, तो भी आपका परसेंटाइल सेम 97, 98, 99 की रेंज में लाई करता है। फिर आता है डिफिकल्ट लेवल। अब इस लेवल में अगर आपके मार्क्स 47, 50, 52 ऐसे भी आ रहे हैं, तब भी आपका परसेंटाइल सेम आएगा 97, 98, 99। अब यहाँ पर हुआ क्या, देखो लेवल तो आपका सेम ही था, लेकिन बात है कि जो मॉक का लेवल है, जो उसको सेट किया गया, जो उसकी फ्रेमिंग की है क्वेश्चंस की, उसके लेवल से खेला जा रहा है, तो वो आपको मेंटली रेडी कर रहा है कि एग्जाम में अगर इजी लेवल का आता है तो स्पीड के बलबूते पे क्वेश्चन को करते हुए जाओ और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन को करो ताकि आपका सिलेक्शन आराम से हो सके। अगर एग्जाम का लेवल या फिर मॉक का लेवल डिफिकल्ट आता है तो ध्यान से देखना है कि कौन सा क्वेश्चन करने लायक है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करने लायक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ आपको करना क्या है। तो तीन टेक्निक्स है, मैं आपको तीन स्टेप्स बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं आज से, ठीक है, ये आपको आज से फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर वन, सबसे पहले जब भी आप मॉक लगाओगे कभी भी मार्क्स को चेज नहीं करना, हमेशा फोकस किस पे करना है, परसेंटाइल पे। अब परसेंटाइल अगर आपको इंक्रीज करनी है, अगर ये आपको इंक्रीज करनी है, तो एक बात ध्यान रखो कि आपकी स्पीड हमेशा, ये मैं आरआरबी पीओ और क्लेरिकल दोनों की बात कर रहा हूं, तो इसमें आपकी स्पीड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए आपकी एक्यूरेसी से। अब एकदम इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी एक्यूरेसी 40% हो, 30% हो, नहीं। अगर आप यहां पर सपोज 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो 80 में से, ये आपके अटेम्प्ट है, ठीक है, ये आपके अटेम्प्ट है, तो आपका जो स्कोर है वो 54-55 आना चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 90% की एक्यूरेसी आपके पास होनी चाहिए, इससे कम में दिक्कत है। अगर ऐसा है तो फिर अपनी स्पीड को स्लो करो और पहले एक्यूरेसी पे काम करो। तो ये आपका पहला स्टेप है जो आपको ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड पे काम करो। अब सेकेंड स्टेप, अब स्टेप नंबर सेकेंड की बात करते हैं, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। अब काफी बच्चे क्या करते हैं कि पजल्स और अर्थमेटिक, इसके पीछे काफी परेशान रहते हैं, स्पेशली ये जो पजल सेक्शन है इसके पीछे। देखो पजल्स में जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतनी आपकी स्पीड इनहेंस होगी, और हमेशा पॉसिबिलिटीज लेके चलो। देखो किसी भी टीचर्स की जो अप्रोच होती है वो उनकी खुद की निकाली हुई अप्रोच होती है, अप्रोच खराब नहीं है, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे तरीके से पजल को टैकल करना है तो जो उसका बेसिक फाउंडेशन मेथड है वो लेके चलो, और बाकी अगर आप अच्छे हो पजल में तो जिस भी टीचर की टेक्निक आपने फॉलो किया आप उसको कंटिन्यू कर सकते, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर हमेशा पॉसिबिलिटीज लेके चलनी है, जो हमारा बेसिक मेथड है, क्या है, बेसिक मेथड। तो पॉसिबिलिटीज हमेशा लेके चलो, और इसमें भी पॉसिबिलिटी में दो पॉसिबिलिटी, तीन पॉसिबिलिटी, और अगर और भी जरूरत पड़े, अगर मान लो डिफिकल्ट लेवल का आ जाए तो चार पॉसिबिलिटीज भी आप लेके चल सकते हो। शर्माना मत, आपको सिर्फ क्वेश्चन करने से मतलब है, किसी को दिखाना नहीं है कि आप कितने महारथी हैं। महारथी वो होते हैं जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस में जाते हैं और मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में जाते हैं। तो पहले आप इस लेवल पे आओ कि आप पहले प्री क्वालिफाई कर सको, फिर आप मेंस में जाओ। तो हमेशा ये ध्यान रखना है आपको। तीसरी चीज, अटेंटिव होके रीड करनी है चीज, भागना नहीं है, ऐसे आंखों से बस देखना नहीं है कि क्या क्या लिखा है, नहीं, फोकस रखना है पूरा कि क्या लिखा है, और रीड करते करते उसको समझना भी है कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। कभी कभार एक स्टेटमेंट ऐसे घुमा देता है कि वहीं पे बच्चे फंस जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना। अगर कहीं भी किसी स्टेप पे आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, चाहे वो डीआई की हो, पजल की हो, किसी भी चीज की क्यों ना हो, दोबारा रीड करो, एक बार और रीड करो, एक बार और रीड करो, समझो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। भागो मत, आप होश में हो, आपने कोई ड्रग्स गांजा चरस नहीं ले रखा, एग्जाम करने बैठे हो, ऑफिसर बनने बैठे हो, तो पूरा अटेंशन, पूरा फोकस अपना उस पर रखना है कि क्या कह रहे हैं। तो ये तीसरी चीज, हाँ ये जो सेकंड चीज है कि पजल और अर्थमेटिक के पीछे भागना बंद करो, साथ ही साथ में कैसलेट के पीछे भी भागना बंद करो, ये सब चीजें नहीं करनी। मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के और क्वांट के, टोटल मिला के आराम से आपके 60 क्वेश्चंस, चलो 60 भी छोड़ो, 60 मैंने थोड़ा ज्यादा बोल दिया, पजल को हटा के लगभग देखा जाए तो 40
से लेकर 45 क्वेश्चन, 40 से 45 क्वेश्चन आपके मिसलेनियस होते हैं। मिसलेनियस कैसे? रीजनिंग में इनइक्वालिटी, सिलोग्स, कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन, क्वांट के अंदर सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डीआई, ये सब चीजें। तो पहले उन पे फोकस करो हमेशा, और कोशिश करो कि स्पीड से करो। जो बेसिक चीजें होती है ना मिसलेनियस की, उसको हमेशा स्पीड से करना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब एग्जाम्पल आपको देता हूँ। मान लो कि 5 क्वेश्चंस हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और 5 क्वेश्चंस हैं सिंप्लीफिकेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन के। अब ऐसे में इन 10 क्वेश्चन को बनाने में आपको पूरा अपना बेस्ट देना चाहिए कि आप 5 मिनट में ये क्वेश्चन बना पाए। इस लेवल की प्रैक्टिस करनी है आपको। वो कैसी अचीव होगी? जब आप डेटा को स्क्रीन पे देख के कैलकुलेट करोगे, नोटबुक का यूज ज्यादा नहीं करोगे। एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मान लो कोई नंबर लिखा हुआ है 16 2/3% ऑफ 666 प्लस में 105% ऑफ 200। अब ये नंबर लिखा है, अब आप क्या करोगे? काफी बच्चे जो स्पेशली बिगिनर है या जो बहुत स्लो होते हैं प्री में स्कोर करने में, वो इसको पहले पूरा लिखेंगे शीट पे कि ये है क्या। अरे लिखना क्यों है बाबू, आप डायरेक्टली इसको देखो। 16 2/3 किसकी वैल्यू होती है? 1/6 की होती है। तो काटो इसको, 6111 यहाँ पर कितना आ गया आपका? 111 इसका आ गया। अब इसका कितना है? 105% निकालना है। या तो आप 200% निकाल लो 105 का, या 105% निकाल लो 200 का, बात एक ही होती है। ठीक है, अब 200% अगर आप निकालोगे 105 का, तो कितना आएगा आपको खुद देखो, तो 210 आ जाएगा आपका। अब 105% निकालोगे 200 का, तब भी बात वही पड़ेगी, यहाँ पर 200 आ जाएगा। और 200 का 5% कितना होता है? 10 होता है, तो 210 आ गया, बात सेम है। इसको आप ऐड कर दो, कितना हो गया आपका? 1, 2 और 3, 321 आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को करने में मैक्सिमम आपको 15 सेकंड लगेंगे अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो। और ऐसे ही आपकी क्वालिटी इक्वेशन भी होती है। ओके, सो देखो, अब ऐसे ही आपके जो क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड होते हैं, वो भी आपके ऐसे ही होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 3x माइनस में 729। अब अगर आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं जल्दी करनी आती, अगर आपको टेबल्स नहीं आती, तो आप इसमें अटक जाओगे। ये क्वेश्चन हार्डली 25 से 30 सेकंड का है, हार्डली बता रहा हूं मैं, लेकिन इसी को करने में बच्चे लगभग 1.5 मिनट ले लेते हैं, वो बच्चे जिनकी कैलकुलेशन वीक है। तो उस पर काम करो, आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, ये याद रखो। बिना इस पे काम किए आप एक्सेल नहीं कर सकते। टेबल्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, ये सब आपको रटे होने चाहिए कंप्लीटली। और परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू, कौन सी? परसेंटेज फ्रैक्शनल वैल्यूज, इनकी प्रैक्टिस करो डेली बेसिस पे। अब आते हैं तीसरे स्टेप पे, कभी भी किसी इंसान से कंपेयर नहीं करना। ये आदत करना छोड़ दो, बच्चे नहीं हो, कंपैरिजन छोड़ो। कोई भी स्टूडेंट आपसे कितना आगे क्यों ना हो, उसको देख के डिमोटिवेट नहीं होना। डरना नहीं है कि यार वो तो इतना आगे है मेरे से, अभी तो मैं कुछ भी लेवल पे नहीं हूँ, कैसे मैं इनको कम्पीट कर पाऊंगा। अभी से आपने गिव अप कर दिया, नहीं, गिव अप नहीं करना आपको, गिव अप बिल्कुल नहीं करना, आपको फाइट करना है। ठीक है, फाइट करने के लिए क्या करना पड़ता है? अफर्ट करना पड़ता है। और अफर्ट कहाँ होना चाहिए? राइट डायरेक्शन में होना चाहिए हमेशा, ये चीज ध्यान रखो। तो अफर्ट करो, जहां अगर आपका आज प्रेजेंट डेट में 30 परसेंटाइल भी आ रहा है, 30 परसेंटाइल भी आ रहा है, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 10 वीक में अगर आप कंसिस्टेंटली इसी गाइडेंस के साथ अफर्ट करेंगे, तो आप 90 परसेंटाइल तक पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताने वाला हूँ, तो डरना मत। अगर आप 30 या 40 या 50 परसेंटाइल पे लाई करते हो, तो जितना हो सकता है ना मॉक्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, मॉक्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। अब कौन से मॉक की प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके पास अवेलेबल है उनकी प्रैक्टिस करो, लेकिन लगातार जितना हो सकता है 2, 3, 4, 5, आप पे डिपेंड करता है आप में कितना कैलिबर है, कितनी कैपेसिटी है। तो मॉक की प्रैक्टिस करो और एनालिसिस करना शुरू करो कि कहाँ पर रॉन्ग हुआ, क्यों रॉन्ग हुआ। और कभी भी जो आपकी सिली मिस्टेक्स मॉक्स में होती है, इसको अटेंटिवली देखना है, अटेंटिवली इसको ऑब्जर्व करना है कि क्यों हुई है,
और कोशिश करो कि अगले मॉक में आपके ऐसे मिस्टेक्स ना हो। अब ये मैंने वीडियो बना तो दी है जो कि काफी फ्रूटफुल रहने वाली है, लेकिन कुछ ही बच्चे होंगे सिलेक्टिव जो इस पूरी वीडियो को देखेंगे और उन्हीं का सिलेक्शन होगा उस कैटेगरी में जो कि बिगनर्स है, या फिर वो बच्चे जिनके आरएलबी पीओ या फिर क्लेरिकल क्वालिफाई नहीं होते और उनका टारगेट है कि उनको क्वालिफाई करना है। अगर आपके स्टेट में 5 सीट है, 10 सीट है, 15 सीट है, 50 सीट है, मैटर नहीं करता, अपने लेवल को इनहेंस करो यार, अपने लेवल को इंक्रीज करो। दिक्कत कहाँ आ रही है बताओ मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट है, टेलीग्राम है, मुझे टेलीग्राम पे करो आप मैसेज, ये आईडी है @rightapproach_banking, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन करके जो भी डाउट होता है मेरे से पूछो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और भी बच्चे हैं वहां पर एक्सपीरियंस्ड, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो अपने लेवल को इंक्रीज करो, एफर्ट करो, और बाकी अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है उसको चैप्टर्स के अर्थमेटिक के अलावा बता रहा हूं मैं, तो उनको क्लियर करो, उन पे वर्क करो, ठीक है। वर्क करने से ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, और अब टाइम आ चुका है जब 7 to 9 आवर्स की स्टडी आपको करनी शुरू होगी, शुरू करनी पड़ेगी, अदरवाइज आप बहुत पीछे रह जाओगे। और मेंस का टेंशन मतलब कि मेंस कैसे मैनेज करना है मैं आपको बताऊंगा अलग से सेपरेट वीडियो में कि मेंस कैसे मैनेज करना है, तो उसकी आप फिक्र मत करो। अभी आप लगभग जून लास्ट तक जो मैंने बताया, जैसे मैंने बताया उस पर फोकस करो। मैंने आपको एक चीज बहुत ही इंसिस्ट की है कि स्पीड पे ज्यादा फोकस करना। स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ और क्लेरिकल के मॉक्स में और एग्जाम को क्वालिफाई करने में, तो ये चीज ध्यान रखना। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट में पूछना, और जो चीजें आपको मैंने बताई है उसका ध्यान रखना कि मॉक्स में कभी भी मार्क्स चेंज नहीं करने बेवकूफों की तरह, परसेंटाइल को चेंज करना है, समझदार बनो, ऑफिसर बनने वाले हो, खुद आप ऑब्जर्व कर लेते हो कि किसी मॉक में आपके 50 नंबर आते हैं तो आपकी 95% आ जाती है, और वही 50 नंबर पे किसी और मॉक में आपकी 70-75% आती है, तो डिफरेंस है लेवल का। तो 60-70 अगर आपका टारगेट है या 50 नंबर का, मत करो, बिल्कुल नहीं करना, बच्चों वाली हरकतें हैं। परसेंटाइल का आप फोकस करो, परसेंटाइल को हिट करो, परसेंटाइल आपका एकमात्र टूल है, परसेंटाइल आपका एकमात्र गुरु मंत्र है, इस पे फोकस करोगे तो ही आपका एग्जाम क्लियर होगा, कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो फ्यूचर ऑफिसर्स अभी के लिए सेशन को एंड करते हैं, थोड़ी सी लंबी वीडियो बन चुकी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको चीजें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में, यूट्यूब पे या फिर टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ग्रुप को मेरे से पूछ सकते हो, और मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग की भी बनाएंगे, एज वेल एज आरआरबी पीओ मेंस में क्वांट, कंप्यूटर और रीजनिंग प्लस हिंदी को सेपरेट कैसे प्रिपेयर करना है उसकी भी वीडियो बनाएंगे। सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग की 2024 की या फिर 25 वाले की। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्यूचर ऑफिसर्स, मेहनत करो एंड मिलते हैं जल्दी, सी यू सून।